हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी एडवाइस यूट्यूब चैनल पर आज की एक और लेटेस्ट वीडियो में। गाइस आज के इस वीडियो में बताऊंगा, पेटीएम ने भी लॉन्च कर दिया अपना रिव्यू वाला सेक्शन। मतलब आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ भी खरीदते हो, चाहे वो अमेजन पे हो, चाहे फ्लिपकार्ट पे हो, चाहे किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे हो, तो वहां अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आपको रिव्यू वाला सेक्शन जरूर से नजर आता है। लेकिन पेटीएम मॉल पे या पेटीएम ऐप के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, बट पेटीएम ने भी अभी इसको फीचर को अप्लाई कर दिया है। और अगर आप पेटीएम में भी जाते हो कोई प्रोडक्ट को खरीदने, या आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा, आप भी उसे रिव्यू दे सकते हो। आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, बेकार लगा, अच्छा लगा, एवरेज लगा, जो भी आप रेटिंग देना चाहते हैं वो रेटिंग भी दे सकते हैं। इससे होगा क्या यार, आप जब भी अगर आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, चाहे वो किसी भी वेबसाइट पे, तो मेरे सबसे ट्रस्टेड वेबसाइटों में अगर आप बात करोगे तो अमेजन और फ्लिपकार्ट को आप सबसे नंबर वन पे रखते हो, और पेटीएम को कहीं ना कहीं आप थोड़ा दूर रखते हो। तो पेटीएम ने भी सोचा है कि इस चीज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप्लाई करना चाहिए, और इस मेथड को भी थोड़ा सा यूज करके कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है या हमारा जो ऑनलाइन शॉपिंग जो पोर्टल है उसको सुधारना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, अभी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको रिव्यू देने का सेक्शन मिलता है। मतलब आप अगर प्रोडक्ट जिस कंडीशन में मिलता है उसके हिसाब से आप उसे क्या रेटिंग देना चाहते हैं, और कुछ अगर लिखना चाहते हैं अच्छा बुरा या जो भी कुछ अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो चीजें भी लिख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एक कदम है पेटीएम की तरफ से। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको रिव्यू दे सकते हो आप किसी भी प्रोडक्ट पे, एंड उस रिव्यू देने के बाद आपके एक रिव्यू से उस प्रोडक्ट की पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब वाला जो लाल बटन है इधर या इधर जहां पे भी है उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल सके। एंड सपोर्ट के रूप में यार वीडियो को एक लाइक कर देना, आपका जो एक लाइक होता है वो हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो फटाफट से हम पेटीएम मॉल एप्लीकेशन में अभी अपडेट आ चुका है, अगर आपको देखना है तो अपडेट कर सकते हैं। पेटीएम ऐप के अंदर भी दिखाई दे जाएगा कुछ ही दिनों में। यहाँ जैसे कि अगर आपको रिव्यू देना है तो किस तरीके से देना होगा, चलिए अपन फटाफट से मैं आपको पेटीएम मॉल एप्लीकेशन के अंदर चल के दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ स्क्रीन पे भी आपको चलता हुआ नजर आ जाएगा। देखिए फटाफट से अगर मैं बात करूँ तो आप सबसे पहले पेटीएम मॉल एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करके रखो, ठीक है। जैसे ही आप पेटीएम मॉल एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करके रखोगे तो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे जहां पे भी आपके ऑर्डर आते हैं, यानी कि आपने जो भी प्रीवियस में कोई भी ऑर्डर किया हुआ है उस ऑर्डर वाले सेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। अब जैसे ही ऑर्डर वाले सेक्शन पे जाते हो तो भैया यहाँ पे आपने जो भी ऑर्डर किया है अभी तक वो सारे ऑर्डर नजर आ जाएंगे। जैसे मैंने एक बैक कवर मंगवाया था, इसका मैंने रिव्यू दे दिया, देखिए यहाँ पे आपको आ गया रिव्यू देने का ऑप्शन। यहां मैंने इसको 5-स्टार रेटिंग दी थी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट था जो 100 रुपीज के समथिंग था और 80 रुपीज की समथिंग मुझे कैशबैक में मिल गया था, तो इस वजह से मैंने इसको 5-स्टार रेटिंग दे दी है। अगर नीचे देखोगे तो एक स्लीपर मैंने मंगवाया था, ठीक है। अगर आप यहां इसको भी रेट देना चाहते हैं तो सिंपली इस प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिएगा, एंड इस प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद आप जो भी अपने अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को रेट देना चाहते हैं, 2-स्टार, 3-स्टार, 4-स्टार, देखिए नीचे आते हो तो यहां आपको एक रेट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। 5 स्टार में से आप कितने स्टार देना चाहते हो, स्लीपर मेरे हिसाब से ठीक ठाक थी, अच्छी नहीं बोलूंगा, मैंने इसको 4-स्टार रेटिंग दे दी। अभी आप देखेंगे तो मेरी रेटिंग अपडेट हो चुकी है, और इसके बाद अलावा पास में एक ऑप्शन आ रहा है राइट ए रिव्यू, यहां पे मैं क्लिक करूंगा, यहां पे लिख दूंगा या गुड बट नॉट वेरी गुड, इतना मैंने लिख दिया। तो मतलब कोई भी अगर दूसरा यूजर आएगा इस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो कहीं ना कहीं उसको पता लग जाएगा इस प्रोडक्ट का क्या रिव्यू है। अब इस प्रोडक्ट पे देखिए अमेजन और फ्लिपकार्ट पे तो बेसिकली मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे अमेजन फ्लिपकार्ट पे बेसिकली क्या होता है, आप जो रिव्यू देते हो अगर वो अच्छा है या आपका जो रिव्यू है वो एक एवरेज लेवल पे है तो उसको पब्लिश किया जाता है। बट अगर आपका रिव्यू बहुत ही खराब है, आपने गाली गलौज कर दी या आपने कुछ अब्यूज वर्ड यूज कर लिए उस रिव्यू देते वक्त, तो आपका रिव्यू पब्लिश नहीं किया जाता। बट यहाँ पेटीएम की तरफ से अगर आप देखो तो सब कुछ लाइव एंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है पेटीएम की तरफ से। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो भैया पेटीएम ने अभी इस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, अब इस प्रोडक्ट का रिव्यू मुझे चेक करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 मतलब कुल मिलाकर के जो रेटिंग है वो 3.1 रेटिंग है। अब कुल मिलाकर 208 लोगों ने इस प्रोडक्ट पे रिव्यू दिया है अभी तक, और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, ये देखिए सबके रिव्यू में दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं नीचे ये देखिए ऊपर ही ऊपर अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले ऊपर अगर आप बात करोगे तो जो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे रिव्यू दिया है गुड बट नॉट वेरी गुड, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ रिव्यू दिखाई दे रहा है 20 मार्च का, मैंने 4-स्टार रेटिंग दिया है। नीचे आप लिखा हुआ रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर, फिर नीचे बंदे ने लिखा हुआ बैड प्रोडक्ट, फिर अगर और जाता हूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ नाइस प्रोडक्ट, साले बेको बनाते हैं 20 रुपए वाला चीपेस्ट सेट, ठीक है, मतलब
जो भी देखिए लोगों ने बता रखा, अगर आप इस प्रोडक्ट को जब आप खरीदने जाओगे फर्स्ट टाइम, जब भी आप इस प्रोडक्ट को खरीदने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ये रिव्यू जो है वो थोड़े हेल्प करेंगे। और यही था इस रिव्यू के बारे में, सारा सिस्टम आप सभी लोग समझ चुके होंगे। एंड उम्मीद करता हूँ यार आज के वीडियो में जो मैंने बताने की कोशिश करी वो जरूर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या कोई ना कोई अवेयरनेस वाले वीडियोस आपको दिए जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पेटीएम ने भी अपना रिव्यू जो सिस्टम है वो लॉन्च कर दिया है, एंड आप सभी लोग भी अगर पेटीएम से कुछ भी खरीदते हो तो आपको रिव्यू देखने को मिल जाएंगे हर एक प्रोडक्ट पे। आप रिव्यू के अकॉर्डिंग खरीदते हो तो बहुत अच्छी बात है, रिव्यू पढ़ना भी चाहिए। ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है कि रिव्यूज के बेस पे भी नहीं होता खाली, हाँ रिव्यूज भी बहुत सारे बायस रिव्यूज भी होते हैं। तो आप अगर कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हो उस पर अगर 5, 10 या 20, 50 रिव्यू है, जैसे मोटे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, बड़े बजट वाले प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे मोबाइल फोन हो गया या कोई 10, 20, 50 हजार का कोई भी प्रोडक्ट हो गया, तो उसके कम से कम में नहीं आपको 2000, 3000 रिव्यूज देखने चाहिए, उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को लेना चाहिए। अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पहले से जानकारी है कि हाँ वाकई में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आप उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी परचेज कर सकते हो। यार गाइस जो भी इस वीडियो में बताने की मैंने कोशिश करी है, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर कुछ समझ में आया होगा। चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम।